आरपी भारत की प्रस्तुति कुछ प्रमुख राष्ट्र खबरों की। परियोजना बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय पोटका की 9वीं क्लास की 13 छात्राएं का एडमिट कार्ड नहीं आने से परीक्षा में नहीं बैठ पाई और परीक्षा देने से वंचित रह गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बच्चों की शिक्षा पर काफी ध्यान दे रही, अच्छी बात है। मिड डे मील योजना चला रही, दिनचर्या के आधार पर बच्चों को उचित पोषाहार अच्छे भोजन मिल सके जिससे स्वस्थ रहे। राज्य खाद्य निगम के मजदूर लोग इन दोनों हड़ताल पर गए। उपायुक्त कार्यालय कक्ष में लगा जनता दरबार, विभिन्न प्रखंडों से आए ग्रामीणों का उपायुक्त जिशान कमर ने सुनी समस्या पर त्वरित कार्रवाई, अधिकारियों को दिए निर्देश। मधुबनी जिले के कलुआगी प्रखंड के अंतर्गत मलमल गांव में फिर से एक बार एनआरसी सीएबी और एनपीआर कानून के खिलाफ मेला लगा हुआ है। पाकुड़िया प्रखंड से 10 किलोमीटर की दूरी से हली महेशकट्टा आदिवासी स्पोर्टिंग क्लब के सौजन्य से 2 दिवसीय फुटबॉल खेला। कर्मचारी स्वर्गीय रूपलाल किसको महेशकट्टा के वार्षिक याद में 25 वर्ष से किया जाता है। बिहार बंगाल और झारखंड से हुई चोरी की, मोटरसाइकिलों के द्वारा आसनसोल में हो रही है कोयले की तस्करी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। कोयलांचल में सरस्वती पूजा को लेकर तैयारी जोरों से चल रही है, विभिन्न शिक्षण संस्थानों से लेकर ग्रामीण क्लबों के लिए प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। जीटी रोड पर मैथन स्थित संजय चौक पर मंगलवार की देर रात हुई सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। जामतारा स्टेशन परिसर में दुमका सांसद सुनील सोरेन ने 100 फीट ऊंचा स्मारक राष्ट्र ध्वज फहराया। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध कोयला के कारोबार में स्थानीय पुलिस ने 2 ट्रैक्टर कोयले से लदा हुआ किया गिरफ्तार। मांडा थाना क्षेत्र के ब्राम्बे स्थित मेसर्स रानी स्किन केयर सेंटर चर्म रोग पे छापेमारी कर पुलिस ने नकली नोट छापने की मशीन और नकली नोट के साथ डॉक्टर मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी पटना के सूचना भवन के सभाकक्ष में वाणिज्य कर विभाग की सह सचिव डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी के अंतर्गत राज्य में निबंधित कुल व्यवसायियों की संख्या 4,44,614 है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एनपीआर एनआरसी एवं सीएए के मुद्दे पर आज पूरा देश जल रहा है, लोग आंदोलित हैं। उसी मुद्दे को लेकर वाम दल 25 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाएंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। जिले के सुगौली प्रखंड में भाटा पंचायत में नल जल योजना के अंतर्गत भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक महिला को गोली मारकर घायल कर दिया, घटना तेगड़ा थाना क्षेत्र गौरव गांव की है। बेगूसराय में एक बार फिर शाम ढलते ही अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हेलो दोस्तों, क्या आप लोग सच में न्यूज़ देखना चाहते हैं? मैं भी देखना चाहती हूँ झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को, लेकिन टीवी पर आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर नहीं मिलेगी। तो झारखंड से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अभी YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए आरपी भारत को और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए। आरपी भारत, जहां पर आप देख सकते हैं झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को।